ब्यावरा एसडीएम से प्रधानमंत्री आवास की लिस्ट के बारे में जब विधायक रामचंद्र दांगी ने जानकारी ली तो उन्हें गोलमाल जवाब दिया गया। बताया जा रहा है कि लिस्ट में कई नाम झूठे ही लिखे गए हैं। मामला उस वक्त सामने आया जब विधायक दांगी नगर पालिका में एसडीएम रोशनी वर्धमान नगर पालिका सीएमओ संजय श्रीवास्तव के साथ समीक्षा चर्चा कर रहे थे। नगर पालिका में लगी प्रधानमंत्री आवास के लिस्ट के बारे में एसडीएम रोशनी वर्धमान जानकारी लेना चाहा तो जवाब देने से बचती रही। फिर जवाब दिया तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। विधायक दांगी ने बताया कि ब्यावरा के विकास के लिए वो कहीं पीछे नहीं हटेंगे। शासन से मांग करेंगे कि इन हितग्राहियों को जल्द से जल्द राशि दी जाए। ब्यावरा से मनोज कुमार के साथ मोहन वर्मा की रिपोर्ट। एसडीएम के माध्यम से लगी आपके कार्य से आइए लिखते हैं। इस चीज का आपको नॉलेज नहीं है क्या मैडम? जो ये मुझे नहीं पता है, लिस्ट मेरे यहाँ से आई है जांच। लिस्ट कितने लोगों की आई है ये नहीं पता आपको? ऑलमोस्ट 1000। अच्छा, और इनको आप फर्स्ट किस्त कब तक जमा हो जाएगी? पहले भी है ना विधानसभा चुनाव आए थे और सर्वे हुआ था, और जैसे अब नगरीय निकाय चुनाव आया फिर लिस्ट लग गई, क्योंकि इनका कुछ कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ लिस्ट औपचारिक तौर पर लगी हुई है। समस्याएं तत्काल यहाँ हल हो, यहाँ लोगों की समस्याओं के लिए एक दफ्तर अलग से बनाया जाए, लोग कोई भी आवेदन लेके आए तो उसको दो तीन दिन में तत्काल उसका निराकरण हो, कोई ना उसे चक्कर नहीं लगा। ये अभी जो आवास की प्रधानमंत्री आवास की जो लिस्टें लगी है कितने लोगों की? ये प्रधानमंत्री आवास की लिस्ट करीब 1000-1200 लोगों की है। ये इस बात के लिए लगाई है कि लोग देख लें कोई गलत है सही है तो इस पर नाम देख लें, कोई छूट गया तो वो अपना नाम जुड़वा लें आकर के, और कोई गलत नाम है तो लोग उसके बारे में भी या नगरपालिका में आके बता दें कि ये नाम गलत भी आए इसमें, तो इससे सार्वजनिक करने से ये लगेगा कि कम से कम लोगों को पता तो लग जाए कि ये सूची अभी तक आप दफ्तरों में रखी थी बहुत साल से सार्वजनिक की, इससे बहुत सारी चीजें सामने आ जाएगी। अभी एसडीएम मैडम से हमारी बात हुई है, उन्हें खुद नहीं पता कि ये इसकी अगली किस्त कब डलेगी, इसकी क्या रूप रेखा है। अभी किस्त में तो शासन ऊपर निर्भर है, शासन कब पैसा देता है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी हम जल्दी जल्दी इस किस्त को डलवाएं ताकि लोग अपना मकान बनाएं। जब भी इलेक्शन आते हैं, अभी उपचुनाव जब हुआ था तब भी ब्यावरे में सर्वे चालू हो गया था, और अभी नगरी निकाय चुनाव आ गए तो इसमें है ना लिस्टें लग गई है, कहाँ तक लोगों का कहना है कि ये फर्जी लिस्ट है? ये लिस्ट तो नगर पालिका अपने स्तर पर जाँच की है, उन्होंने एसडीएम ने जाँच कराई है पटवारी आरआई से, बहुत कुछ हद तक उन्होंने जांच की है, हो सकता है इतने बड़े स्तर पे कुछ फर्जी नाम भी जोड़ ले लोग, लेकिन फिर भी इसीलिए लगाई है कि लोग देखें इसको, ये जो फर्जी नाम उसको बताएं, जो नहीं जुड़े उसको बताएं, हम मैं देखूंगा कि गलत जुड़ेंगे तो उनको मैं हटवा दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।